नहीं तो पुलिस गिरफ्तार करने चलन है कोलकाता से, और एत से हालांकि गिरफ्तार 3 दिन पहले कने चलन है, और आज जो है से हिरासत में ले गए हैं न्यायिक अभिरक्षा में, एक राजनगर थाना कांड संख्या 108/22। सर आरोप की सब चले 302 के मुकदमा चले, संजीव यादव के हत्या वाला मामला चले। मधुबनी कुख्यात 50,000 इनामी अपराधी रोहित यादव के कलकत्ता में एसटीएफ के द्वारा 3 दिन पहले गिरफ्तार कैल गेल छल, जकरा कल मधुबनी लैल गेल, और जखन अपन क्षेत्र में कोनो अपराधी के लैल जाए तो 24 घंटा के अंदर में कोर्ट में पेशी कैल जात है, जकर आज राजनगर पुलिस टीम के नेतृत्व में कोर्ट में पेशी छल, आ जत समस्त सुरक्षा दल बल के संग रोहित यादव के कोर्ट में पेश कैल गेल छल, जत 125 सुरक्षा गार्ड के संग सख्ती से मधुबनी में पेश कैल गेल। संग ही रोहित यादव के वकील कहलत रोहित यादव के पेशी केना की इनका जे छे से राजनगर थाना कांड संख्या 108/22 में जे छे से आई रिमांड कैल गेल है। की भेल नहीं तो पुलिस गिरफ्तार केने चलन है कोलकाता से, और एत जे छे से हालांकि गिरफ्तार 3 दिन पहले केने चलन है, और आज जे छे से हिरासत में ले गेल है न्यायिक अभिरक्षा में, एक राजनगर थाना कांड संख्या 108/22। सर आरोप की सब चले 302 के मुकदमा चले, संजीव यादव के हत्या वाला मामला चले, वही में इनका न्यायिक अभिरक्षा में भेजल गेल जुडिशियल कस्टडी। अगला पेशी केना की छे? केना अगला पेशी? अब एक टा केस में लेलकन है इनका पर जे छे से एखन जे छे से वर्तमान में 5 टा केस में एखन एक्यूज छथिन, बाकी पर बेल पर छथिन, और 5 टा में जे छे से एक्यूज छथिन, और बाकी के नहीं लेलकन है अखन पुलिस, तो भ सके संभवतः अपने तरफ से लेबऽ पड़े प्रोडक्शन वारंट के थ्रू, या पुलिस लेते तो पुलिस लेते। अखन जे धारा सब लागल छे ओमे केना की बेल केना हेते या लॉन्ग प्रोसेस छे केना के? बेल और एक्यूज के बेल भेले है, और हिनको बेल के प्रक्रिया जे छे से अब आई के बाद चालू हेते। आपका परिचय? मेरा नाम विद्यानंद ठाकुर, एडवोकेट सिविल कोर्ट मधुबनी।